नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईओसिनोफिलिया के बारे में। तो मैं आज आपको बताऊंगा किन होम्योपैथिक दवाओं से हम इसे पूरी तरह जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, ईओसिनोफिलिया के बारे में जानने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ईओसिनोफिल्स होते क्या हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में एक शरीर को रोगों से बचाने के लिए काम करने वाला एक रोग नियंत्रक यानी कि प्रोटेक्टिव सिस्टम काम करता है। इस प्रोटेक्टिव सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। उन्हीं व्हाइट ब्लड सेल्स में से एक सेल होती है ईओसिनोफिल्स। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किन कंडीशंस के कारण बॉडी में ईओसिनोफिलिया डेवलप हो जाता है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन में होने वाला कोई पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन, किसी प्रकार की कोई ऑटो इम्यून डिसीज, कोई कोलेजन वस्कुलर डिसीज जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, या फिर कोई मैलिग्नेंट डिसीज जैसे कि ईओसिनोफिलिक ल्यूकीमिया, हॉजकिंस डिसीज, क्लोनल हाइपर ईओसिनोफिलिया, या फिर कोई स्किन डिसीज जैसे कि डर्मेटाइटिस, या फिर कोई गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट जैसे कि रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस। इन सभी के कारण ईओसिनोफिलिया बॉडी में डेवलप हो जाता है। लेकिन उसमें जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो होता है एलर्जिक कंडीशन, यानी कि बॉडी में होने वाली कोई ऐसी एलर्जिक रिएक्शन जिसके कारण बॉडी में ईओसिनोफिलिया डेवलप हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किन होम्योपैथिक दवाओं से हम ईओसिनोफिलिया को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है कि ईओसिनोफिलिया किसी बीमारी के साथ एसोसिएटेड कंडीशन होती है। इसलिए जब तक हम उस बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी बॉडी से ईओसिनोफिल्स के नॉर्मल काउंट को प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताऊंगा वे होम्योपैथिक मेडिसिंस जो कि उस बीमारी को खत्म करती हैं जिस बीमारी के कारण ईओसिनोफिल्स का काउंट ब्लड में बढ़ जाता है। जब वो बीमारी खत्म हो जाती है तो ईओसिनोफिल्स अपने आप अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाती हैं। मान लीजिए कि किसी पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, उसको बार बार सर्दी हो जाती है, और उसको जो सर्दी होती है वो अगस्त के मौसम में बार बार होती है। तो उस कंडीशन में जब उसको सर्दी हो रही है, उसकी नाक से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, उसको बार बार छींकें आ रही हैं, उस कंडीशन में हमें एलियम सीपा 30 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। जब हम उसका टेस्ट कराएंगे तो निश्चित रूप से ईओसिनोफिलिया हमें मिलेगा, लेकिन एलियम सीपा को 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर लगभग 15 दिन उपयोग करने से हम देखेंगे कि 15 दिन बाद जब हम उसका ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें ईओसिनोफिल्स की मात्रा नॉर्मल हो जाएगी। इसी प्रकार यदि किसी पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस या सर्दी की समस्या या जुकाम की समस्या ऑटम सीजन यानी कि सितंबर से लेकर दिसंबर के महीने के बीच होती है, और उसको इसी बीच ब्रोंकाइटिस भी हो जाता है या कभी कभी एस्थमेटिक सिम्टम्स भी डेवलप होने लगते हैं, और उसके साथ साथ ईओसिनोफिल्स की मात्रा भी उसके ब्लड में बढ़ जाती है यानी कि ईओसिनोफिलिया डेवलप हो जाता है, तब उस कंडीशन में हमें डलका मारा 30 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। इसकी 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर यूज़ करना चाहिए। यदि किसी पेशेंट को डस्ट से एलर्जी है, धूल से एलर्जी है, और उस धूल में जाने के कारण उसके ईओसिनोफिल्स बढ़ जाते हैं, तब उस कंडीशन में हमें लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेंटम का मदर टिंचर यूज़ करना चाहिए। इसकी 10 बूंद सुबह और 10 बूंद शाम को 1/2 कप पानी में मिलाकर जब हम उपयोग करते हैं तो न केवल उस पेशेंट की डस्ट से एलर्जी पूरी तरह खत्म हो जाती है, बल्कि उस एलर्जी के कारण बढ़ने वाले उसके ईओसिनोफिल्स काउंट यानी कि ईओसिनोफिलिया भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब यदि किसी पेशेंट को स्किन की कोई एलर्जी है और स्किन की उस एलर्जी के कारण उस पेशेंट में ईओसिनोफिल काउंट्स तो बढ़ ही रहे हैं और उसके साथ साथ उसकी स्किन में क्रस्टी इरप्शंस डेवलप हो रहे हैं, यानी कि उसकी स्किन के ऊपर डेड सेल्स की एक लेयर बन रही है, तब उस कंडीशन में हमें ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। उससे हम देखेंगे कि ना केवल उसकी इरप्शंस जो हैं वो ठीक हो जाते हैं, बल्कि उसका ईओसिनोफिल काउंट भी नॉर्मल हो जाता है। यदि किसी पेशेंट को धुएं से एलर्जी है और धुएं के कारण उसमें ब्रोंकाइटिस या अस्थमा के सिम्टम डेवलप हो जाते हैं और उसके साथ साथ ईओसिनोफिलिया भी हो जाता है, तब
उस कंडीशन में हमें नेट्रामार्स 30 पोटेंसी में यूज करना चाहिए। तरीका बिल्कुल वही है, दो बूंद सुबह दो बूंद शाम को एक चम्मच पानी में मिलाकर हमें इसे उपयोग करना चाहिए। दोस्तों एक बीमारी होती है जिसे अर्टिकेरिया कहते हैं, या ले लैंग्वेज या सामान्य भाषा में इसे शीतन फूटना या शीतन होना कहते हैं। इस बीमारी में शरीर में लाल कलर के बड़े बड़े स्पॉट्स पड़ जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, पेशेंट को उस इचिंग के कारण बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होती है। जब भी कभी हम उस पेशेंट का टोटल WBC काउंट कराते हैं या कंप्लीट ब्लड पिक्चर टेस्ट कराते हैं, तब उस कंडीशन में हमें उसके ईओसिनोफिल्स बढ़े हुए मिलते हैं। यदि किसी पेशेंट को अल्टीकेरिया के कारण ईओसिनोफिलिया उसकी बॉडी में डेवलप हो रहा है, तब उस कंडीशन में हमें अल्टिका यूरेंस मदर टिंचर 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को एक कप पानी में या आधे कप पानी में मिलाकर यूज़ करना चाहिए, और उसके साथ साथ एपिस मैलिफिका 200 की दो बूंद सुबह दो बूंद शाम को एक चम्मच पानी में मिलाकर उपयोग करना चाहिए। इससे न केवल उसका अर्टिकेरिया ठीक होता है, बल्कि उस अर्टिकेरिया के होने के कारण जो ईओसिनोफिलिया उसकी बॉडी में आ गया है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यदि किसी पेशेंट को कोई इंजुरी हो गई है, वहां पर कोई घाव पड़ गया है और उस घाव में पस पड़ गई है, तब पस पड़ने के कारण उसकी बॉडी में निश्चित रूप से ईओसिनोफिल्स के काउंट बढ़ जाएंगे। यदि ये कंडीशन कई दिनों तक चल रही है, तब उस कंडीशन में हमें साइलिशिया 30 पोटेंसी में दो बूंद सुबह दो बूंद शाम को एक चम्मच पानी में मिलाकर हमें उसका उपयोग करना चाहिए। तब हम देखेंगे कि ना केवल उसका पस फॉर्मेशन बंद हो गया है, उसका घाव सूखने लगता है, बल्कि उसके साथ साथ ईओसिनोफिल काउंट भी नॉर्मल होने लगते हैं। जिन पेशेंट्स में लगातार किसी भी चीज़ से एलर्जी की शिकायत होती है, यानी कि कभी वो धूल में निकलते हैं तो एलर्जी हो जाती है, कभी वो परफ्यूम से या स्मोक से उनको एलर्जी हो जाती है, स्मेल कोई बहुत तीखी होती है तब उससे उनको एलर्जी हो जाती है, तब उस कंडीशन में जब भी उनका ईओसिनोफिल काउंट यदि बढ़ता है, तो दोनों कंडीशंस के लिए, यानी कि एलर्जी के लिए भी और ईओसिनोफिलिया के लिए भी, एक मेडिसिन है जिसे हिस्टामिनम कहते हैं। हमें हिस्टामिनम की 200 पोटेंसी की दो बूंद हर सप्ताह में लेना चाहिए एक चम्मच पानी में मिलाकर। इसके 3-4 सप्ताह तक यूज़ करने से हम देखेंगे कि ना केवल उसकी एलर्जी ठीक हो जाती है, बल्कि ईओसिनोफिल काउंट भी नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अब एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें ईओसिनोफिलिया के सामान्य केसेस में, यदि कोई सिम्टम बहुत ज़्यादा किसी पेशेंट में स्पेसिफिक नहीं है, फिर भी उसके ईओसिनोफिल काउंट ज़्यादा आ रहे हैं, तब उस कंडीशन में हमें इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करना चाहिए। इसमें जो मेडिसिन हैं वो है नेट्रम सल्फ 6x पोटेंसी में, इसकी 4-4 गोलियां दिन में 3 बार खाना है। उसके साथ साथ नेट्रम म्यूर 12x पोटेंसी में, इसकी भी 4-4 गोलियां दिन में 3 बार खाना है। और उसके साथ केसियस ओफेरा का मदर टिंचर। यदि उस पेशेंट में अस्थमा के कोई सिम्टम देखने को मिलते हैं, तब हमें केसियस ओफेरा मदर टिंचर यूज़ करना है। इसकी 10 बूंद सुबह और 10 बूंद शाम को आधे कप या एक कप पानी में मिलाकर लेना है। और यदि उसकी बॉडी में कहीं कोई इन्फ्लेमेशन है, मान लीजिए उसको अपेंडिसाइटिस है जिसके कारण उसको ईओसिनोफिलिया डेवलप हो गया है, या फिर उसकी बॉडी में और कोई इन्फेक्शियस प्रोसेस चल रही है, तब उस कंडीशन में हमें केसियस ओफेरा की जगह एकाइनेसिया एंगस्ट्रीफोलिया का मदर टिंचर यूज़ करना है। इसकी भी 10-10 बूंद सुबह शाम लगभग एक कप या आधे कप पानी में मिलाकर उपयोग करना चाहिए। कुछ और बीमारियों के बारे में हम बात करेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।